नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कम्युनिटी पर जो छत्तीसगढ़ के 8वें सप्ताह का मुद्दा दिया गया था, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का विश्लेषण करने से संबंधित, उसका आज हम लोग यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले दो तीन बातें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि डिस्कशन कम्युनिटी पर जो इस हफ्ते का टॉपिक छत्तीसगढ़ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड दी गई थी, इसका मकसद क्या था। देखिए, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाल ही में लाई गई है, ये हम सबको पता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जो आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ कुछ पॉइंट्स आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी निकल कर आते हैं। इसके अलावा मेन्स पेपर में, आपका पेपर नंबर 5 में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड। इसीलिए इसको डिस्कशन कम्युनिटी पर आपको ब्रीफ में लिखने के लिए दिया गया था एसे के फॉर्म पर, ताकि आप इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लें, ताकि अगर मेंस के पेपर में गारंटी है कि आप इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं इसके पॉइंट्स को आप लोग जरूर यूज करोगे। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो आपके लिए इस महीने में सबसे बड़ा जो टॉपिक था उसमें से एक आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, डिस्कशन कम्युनिटी पर उन्हीं टॉपिक को देते हैं जो उस हफ्ते में सबसे इंपॉर्टेंट हो या फिर उस महीने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो हमारा डिस्कशन कम्युनिटी पर टॉपिक रखने का कोई यह मकसद नहीं है कि यह टॉपिक पुराना हो गया या कोई टॉपिक आपके फायदे का नहीं है, वो टॉपिक हर जगह आपको काम आने वाला है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, एसी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मेंस के बाकी पेपर से आप उसको रिलेट कर सकते हो। यह हो गई पहली बात कि डिस्कशन कम्युनिटी पर इस हफ्ते के टॉपिक दिए जाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। दूसरी बात यहां पर मेरी समझिएगा, आप लोगों में से बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि प्रीलिम्स का वक्त अब नजदीक आ रहा है, प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहिए, अब आंसर राइटिंग छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं यहां पर आप गलत हो। गलत मैं आप लोगों को इसलिए साबित कर रहा हूं क्योंकि हर हफ्ते अगर एक टॉपिक पर आप आंसर राइटिंग करते हो तो ये आपका समय जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी बरकरार रहेगा। बीच में छूट जाने से चीजें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, वो गड़बड़ नहीं होगा। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी होते हैं, और हर सप्ताह एक आंसर राइटिंग करना यहां पर आपका टाइम व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा और आपके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए हर सप्ताह डिस्कशन कम्युनिटी के टॉपिक को आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिए, आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसीलिए डिस्कशन कम्युनिटी के हर सप्ताह के टॉपिक को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। यह हो गई दूसरी बात। तीसरी बात नए लोगों के लिए कि जो लोग डिस्कशन कम्युनिटी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ना है, आप लोग टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा कि डिस्कशन कम्युनिटी क्या है। अच्छा हाँ, कई लोगों को इसमें भी डाउट है कि डिस्कशन कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कई लोग इस शंका में हैं कि डिस्कशन कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जो है एसे राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बहुत गलत फहमी में थे आप लोग, डिस्कशन कम्युनिटी का ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एसे डिस्कस करें। वहाँ पर एसे के फॉर्म में क्वेश्चंस आपको वहाँ पर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप बहुत लंबे वर्ड में यानी कि बहुत डिटेल में उस चीज़ को जान सको। अगर डिटेल में उस चीज़ को जान लोगे तो आपका जो आने वाला बाकी पेपर्स में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आ गया तो। इसीलिए हम लोग एसे के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। आने वाले समय में हम लोग डिस्कशन कम्युनिटी पर एक और पैनल बनाएंगे जहाँ मुख्य परीक्षा के बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर किया जाएगा करेंट अफेयर को छोड़कर। तो इसीलिए डिस्कशन कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने उत्तर लेखन को सच में बेहतर बनाना चाहते हो और सच में एग्जाम निकालने का सोच रहे हो तो आप लोग डिस्कशन कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा। अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक पर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर। ठीक है, इस हफ्ते आपको डिस्कशन कम्युनिटी पर दिया गया था, हम इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पूरा समराइज करके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और समझेंगे कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत में आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार का रोड मैप क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर। एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जितने पॉइंट्स बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समराइज किया यहां पर, तो सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है।
देखिए, आज के समय पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है रोजगार मुहैया करवाने के लिए। तो हर सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, आने वाले समय के लिए अपना रोड मैप तैयार करता है औद्योगिक क्षेत्र का। उसी के तहत में सरकारें द्वारा जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है, और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो रोड मैप होता है वो तैयार किया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कितना निवेश, कितना प्रोत्साहन, किस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ों का व्याख्यान रहता है। तो आज इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड इस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाई गई है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर समझिएगा, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड एसी के पेपर में किसी तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फ्रेमिंग मैंने बता रखा है पहले से ही, इंट्रोडक्शन लिखना है, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में लिखना है, चैलेंजेस लिखना है, और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अपने वर्ड में फैक्ट्स के साथ में क्रिटिसाइज भी करना है कि कौन सी कमियां रह गई या क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती थी। तो इस तरह से अपने पॉइंट्स भी वहां पर रख सकते हो और लास्ट में कंक्लूजन भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपका पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या लिख सकते हो, क्योंकि अगर बाकी पेपर्स में इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स को आप लोग को यूज़ करना हो तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके वहाँ पर क्लियर हो सके। ठीक, सबसे पहले इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दो तीन पॉइंट हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये छत्तीसगढ़ सरकार का 5वां इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, यानी कि 5वां इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया गया 1 नवंबर 2019 से, जो कि 5 सालों तक चलेगा 31 अक्टूबर 2024 तक। ये दो चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आगे भी अगर कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बनता है तो वो मैं यहाँ पर बताते चलूँगा। ठीक, सबसे पहले पॉइंट इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना पहले भी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार नियोजन होता है, सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित जो होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में ही होता है। तो इसीलिए सरकारें कोशिश करती है कि स्थानीय निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा सके। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या किए गए हैं, इसमें सबसे पहली बात, इसमें तीन तरह की बातें आएंगी। सबसे पहली बात, अकुशल श्रमिक। छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं और उस उद्योग में जो अकुशल श्रमिक होते हैं, कहने का मतलब है जो मजदूर होते हैं, उसमें टोटल 100% मजदूर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे। ये हो गई पहली बात। इसमें दूसरी बात हो गई, सेमी स्किल्ड लेबर एक होता है, यानी कि कुशल श्रमिक आप कह सकते हो, और यहाँ दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा सेमी स्किल्ड लेबर। सेमी स्किल्ड लेबर का मेरा ये मतलब हुआ, जो कुशल श्रमिक होते हैं इस क्षेत्र में, उद्योगों में जो कुशल श्रमिकों की संख्या होती है उसमें 70% जो हैं वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों का होना चाहिए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार। तीसरी बातें इसमें कही गई है, जो उद्योग में मैनेजमेंट संभालते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 40% रिजर्व रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया, जो लेबर होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, वो 100% इसमें उद्योगों में आरक्षण प्राप्त हुआ है इन लोगों के लिए, और जो सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, यानी कि कुशल श्रमिक होते हैं, उसमें 70% स्थानीय लोग होंगे और 40% मैनेजमेंट में होंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट, स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्रोत्साहन दिया गया है। ये तीन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये तीनों पॉइंट्स में प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, अकुशल श्रमिक 100%, सेमी स्किल्ड 70% और मैनेजमेंट 40%। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में कहा गया है, नए तकनीकी उद्योगों के स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो नई नई तकनीक के इंडस्ट्री हैं उसे प्रमोट करने के लिए, जैसे रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एयरोस्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, ये सब इंडस्ट्री को छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से अलग से प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका जैव ईंधन है, यानी कि आप लोग को बहुत पहले से पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बात कही गई थी कि छत्तीसगढ़ में धान से जैव ईंधन की रिफाइनरी लगाई जाएगी, तो ये भी इसमें रखा गया है कि अगर इससे रिलेटेड भी छत्तीसगढ़ में उद्योगों को स्थापित किया जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार अलग से प्रोत्साहन देगी। तो ये सब सेक्टर में खासकर खासा ध्यान दिया जा रहा है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन।
इसके अंदर में एक बात समझिएगा, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। स्थानीय निर्माता कौन? जो कि छत्तीसगढ़ के ही निवासी कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाते हों, वो सब हो गए स्थानीय निर्माता। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी विभाग हैं उस विभाग में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे स्टेशनरी के सामान यूज़ किए जाते हैं, फर्नीचर यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सामान यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स जो प्रोडक्ट परचेस करता है वो कहाँ से परचेस करेगा? इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार वो स्थानीय निर्माताओं से ही परचेस करेगा, ताकि स्थानीय निर्माताओं के बीच में मोटिवेशन बढ़ सके और उनमें भी रोजगार दूसरों को देने की भावना, यानी कि उनका जो उद्योग है विकसित करे। इसीलिए यहाँ पर स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभागों को तैयार किया जाएगा, ताकि वो स्थानीय निर्माताओं से ही अपने प्रोडक्ट को खरीदें जो जरूरत की चीज़ें होती हैं। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की तरफ अगर आ जाओगे तो परिवहन अनुदान की घोषणा की गई है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो ज़्यादातर विकसित राज्य है ना, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्यों की खास बात क्या है? ये सब राज्यों के विकसित होने की सबसे बड़ी खास बात में से एक है कि वो समुद्री रेखा के पास में है। समुद्री रेखा के पास में होने से आयात और निर्यात करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, वहाँ की जो औद्योगिक संरचना है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई एडवांटेज नहीं है। तो खासकर जो निर्यातक होते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य में सामान भेजना है या छत्तीसगढ़ से विदेशों में सामान भेजना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष प्रकार से अनुदान दिए जाने की बात कही गई है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, SGST प्रतिपूर्ति दिया जाएगा, यानी कि कंपनसेशन दिया जाएगा। ये पॉइंट क्या है इसको समझिएगा। यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहा गया है कि GST लगाने की वजह से जो राज्य की औद्योगिक क्षेत्र हैं या फिर राज्य के जो उद्योग हैं उसके विकास में बहुत कमी आई है। तो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ऐसे उद्योग जो GST की वजह से बहुत स्लो हो चुके हैं, उस उद्योगों को इस GST के तहत में, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत में कंपनसेशन दिया जाएगा। SGST क्या है आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी वसूला जाता है, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके अलावा IGST, तो इसमें जो SGST यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, इसके अंतर्गत में जो भी होगा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कंपनसेशन देगी। ठीक, इसके अलावा जो छठवां पॉइंट की तरफ अगर हम आ जाएं तो अधिकतम सुविधाएं पिछड़े श्रेणियों के लिए घोषित की गई है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, कहने का क्या मतलब है? अधिकतम सुविधाएं पिछड़े श्रेणियों को दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ के विकास खंड, जितने भी विकास खंड हैं छत्तीसगढ़ में, उसको चार श्रेणियों में बांट दिया गया है, अ, ब, स और द, यानी कि ABCD। सी और डी श्रेणी के जो यहाँ पर विकास खंड हैं ये सबसे अविकसित विकास खंड हैं। इसके अलावा ए और बी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के विकसित विकास खंड है। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो सबसे ज़्यादा सुविधा दिया गया है वो स और द, यानी कि अविकसित श्रेणी वाले विकास खंड को दिया गया है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आगे बातें समझना कि इन सबको किस प्रकार से यहाँ पर सुविधा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आप एक यहाँ पर सवाल का जवाब दो कि छत्तीसगढ़ में कोर इंडस्ट्री किस प्रकार से हैं, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों की बात कर लो तो कोर इंडस्ट्री क्या है छत्तीसगढ़ में? हाँ तो बताओ, छत्तीसगढ़ में कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं? आपका स्पंज आयरन स्टील हो गया, आपका यहाँ पर स्पंज आयरन उद्योग हो गया, इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो गया, इसके अलावा ताप विद्युत हो गया, इसके अलावा और क्या हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, इसके अलावा और क्या हो गया, राइस मिल्स हो गए, ये सब सारे छत्तीसगढ़ के कोर इंडस्ट्री हैं। तो खासकर ये जो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि अधिकतम सुविधाएं पिछड़े श्रेणियों को, यानी कि स और द श्रेणी वाले विकास खंडों को दिया जाएगा, तो कोर इंडस्ट्री के अगर कोई उद्योग स और द श्रेणी वाले विकास खंड में लगाया जाता है, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री इन दो श्रेणियों के विकास खंड में इंटरेस्ट दिखाती है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष प्रकार से अनुदान दिया जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, स और द विकास खंड में अगर कोई कोर इंडस्ट्री लगाया जाता है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष प्रकार से अनुदान दिया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत में।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रोत्साहन यानी कि MSMEs के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में MSMEs को प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई उद्योग यानी कि अगर कोई व्यापारी समझ लो कि उद्योग डालना चाहता है, तो उस उद्योग को डालने में अगर उनके मांग के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें भवन बनाकर भी छत्तीसगढ़ सरकार दे सकती है मांग के आधार पर। और यह भवन को कौन निर्माण करके देगा, तो यह भवन का निर्माण करेगा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा। अगर डिमांड के आधार पर ऐसी कुछ बातें आती हैं तो MSMEs के लिए भवन निर्माण करके भी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। ये हो गई पहली बात। इसके बाद जो दूसरा बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार MSMEs के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन भी देगी, यानी कि अगर किसी प्रकार से MSMEs कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अलग अलग तरीकों से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ऐसी बातें यहां पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कही जाती है। तीसरी बात कि यहां पर जिला स्तर पर ही जो भी MSMEs के लिए जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, यानी कि अगर आप मान लो कि आपको एक दुकान डालना है, उस दुकान के लिए आपको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा यानी कि सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, तो पहले राज्य स्तर पर इस सर्टिफिकेट को बनवाया जाता था। अब ऐसी सुविधा की जाएगी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि आप जिला स्तर पर भी इस प्रमाण पत्र को बना सकते हैं और जिला स्तर पर यह प्रमाण पत्र बनाया जाएगा आपको जिला व्यापार उद्योग की तरफ से। तो ये कुछ प्रोविजंस इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की गई है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रोत्साहन के तहत में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम को प्रोत्साहित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, पहले तो समझिए कि सिंगल विंडो सिस्टम है क्या। मानकर चलिए कि ए नाम से कोई इंडस्ट्री है और ए नाम का इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब ए नाम का जो व्यक्ति है छत्तीसगढ़ में जब इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए आएगी तो छत्तीसगढ़ सरकार से परमिशन लेने जाना पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ सरकार इस विभाग के पास में जाएगा, पर्यावरण विभाग के पास में जाएगा, 10 तरह के ऑफिस में चक्कर लगाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर क्लियरेंस मिलने में देरी होती है तो वो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने में झिझकेगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि कुल मिलाकर कह लो कि छत्तीसगढ़ सरकार का अगर जो भी यहाँ पर क्लियरेंस से संबंधित जो प्रोविजंस हो वो टफ है तो यहाँ पर इंडस्ट्री आने में देरी होती है। तो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत में एक ऐसा एकल खिड़की बनाया जाता है कि वो इन्वेस्टर सिर्फ एक ऑफिस में जाए और वहाँ उसको सारी क्लियरेंस मिल जाए। तो इसको खासकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रोत्साहित करेगी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि अगर कोई इन्वेस्टर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको कम से कम समय में उसको जितनी भी क्लियरेंस है वो सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा औद्योगिक पुरस्कार योजना। इस योजना के तहत में खासकर स्टार्टअप के लिए यह पुरस्कार योजना की इस पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इसके तहत स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक पुरस्कार योजना के तहत में पुरस्कार वितरित किया जाएगा ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है अनुसंधान प्रयोगशाला। कोई कंपनी अगर छत्तीसगढ़ में रिसर्च करना चाहती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड भी अगर रिसर्च करना चाहती है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे भी प्रोत्साहित करेगी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत। अब बार बार हम लोग एक बात डिस्कस कर रहे हैं, प्रोत्साहन प्रोत्साहन, इसमें डाउट तो नहीं हो रहा ना कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या प्रोत्साहित करेगी, कुछ छूट देगी, कुछ अनुदान देगी, अनुदान देने का मतलब कुछ पैसे देगी या कुछ अगर टैक्सेस हैं तो उसमें कंपनसेशन मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें प्रोत्साहन होता है। वो अपने तरीके से किस प्रकार से प्रोत्साहन देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें डाउट मत होना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण सुरक्षा। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया, अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आप लोग को लगता होगा कि इससे बहुत सारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा, तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया है। इसके तहत में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, चाहे पॉलीथीन हो गया, चाहे डिस्पोजल हो गया, या जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है या पानी की बॉटल हो गया, वो सब को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अपात्र श्रेणी में रखा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसी भी तरह से इस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, यानी कि सरकार की तरफ से ये अपात्र होगा, यानी कि अमान्य हो गया। इसके बाद पोर्टल ई मानक, इसका मतलब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार का एक
पोर्टल है ई मानक, इसकी सहायता से छत्तीसगढ़ में जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, जैसे बुनकर लेलू हो गए, हस्तशिल्प हो गए, या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर कांसा धातु के बर्तन हो गए, ये सबके विकास के लिए इनका जो भी मार्केटिंग किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट जो है ई मानक इसके द्वारा किया जाएगा, ताकि इनके प्रोडक्ट को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाया जा सके। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके 12वां पॉइंट। इसके बाद 13वें पॉइंट की तरफ से अगर हम बढ़ें तो बेस्पोक पॉलिसी। अब यहाँ पर बेस्पोक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? बेस्पोक पॉलिसी में अगर कोई नॉन कोर इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है, नॉन कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि जितने भी कोर इंडस्ट्री हैं उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्री हैं वो नॉन कोर इंडस्ट्री होते हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर वो नॉन कोर इंडस्ट्री 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर जितने भी अभी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं उसके अलावा एक विशेष प्रकार से अनुदान भी दिया जा सकता है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत में। ये बेस्पोक पॉलिसी। बेस्पोक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक विशेष प्रकार से इसमें और छत्तीसगढ़ सरकार छूट देगी। ठीक है, तो ये हो गई बात। देखिए यहाँ पर नॉन कोर इंडस्ट्री इसलिए रखा गया है कि अगर कोई कोर इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होता है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऑलरेडी वो 100 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो इसलिए अगर इस कोर इंडस्ट्री से हटकर छत्तीसगढ़ में कोई 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे बेस्पोक पॉलिसी के तहत में विशेष प्रकार से छूट दे सकता है छत्तीसगढ़ सरकार। ये बेस्पोक पॉलिसी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 13 पॉइंट्स इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कोई छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री डालना चाहता है और उस इंडस्ट्री के लिए उसको भूमि की आवश्यकता होगी, तो अगर कोई इंडस्ट्री विभागों की तरफ से खरीदा जाता है, विभाग से खरीदा जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से खरीदा जाता है, तो उस डिपार्टमेंट द्वारा जो भूमि आवंटन किया जाएगा और उस भूमि आवंटन में जो दर लगता था, उस दर में या फिर जो भी उसका रेट लगता था उसमें 30% की कटौती की गई है। इसके अलावा विभाग द्वारा जिस इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर वह इंडस्ट्री अगर किसी भूमि को लीज पे लेता है तो उस लीज पे जो भी रेट लगता था यानी कि जो भी दर लगता था उसमें भी 1% की कटौती की गई है। ये 30% की कटौती और 1% की कटौती दोनों को याद रखना, लीज के लिए 1% की कटौती, अगर किसी भूमि पर दर लग रहा है तो उसके लिए 30% की कटौती की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्याज अनुदान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों पर यानी कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग ब्याज अनुदान की सीमा अलग अलग कैटेगरी में भी रखा है। जैसे सामान्य उद्योग के लिए 40-60% तक यहाँ पर एक वर्ष में ब्याज अनुदान की सुविधा की गई है और अधिकतम एक वर्ष में अगर 40-60% है तो वो रकम 40 लाख तक अधिकतम हो सकती है और यह अनुदान जो है 8 वर्षों तक दिया जा सकता है। पहला पॉइंट ये, प्राथमिक उद्योग के लिए भी यहाँ पर ध्यान रख लेना इस ब्याज अनुदान में कि इसमें 50-70% तक जो है अनुदान, ब्याज अनुदान माफ़ किया जा सकता है और ये अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये अनुदान 10 वर्षों तक का होना चाहिए। ये हो गया दूसरा बात। तीसरा बात, उच्च प्राथमिक उद्योग में भी 50-70% अनुदान माफ़ किया जा सकता है और ये अधिकतम 55 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए और ये भी 10 वर्ष तक के लिए हो सकता है। तो ये ब्याज अनुदान में इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यानी कि उद्योगों को जो ब्याज अनुदान दिया जाता है, तो सामान्य, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इस तीन कैटेगरी को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोर सेक्टर के उद्योग, अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम लोग समझते हैं कि कोर सेक्टर के उद्योग, ये कोर सेक्टर के उद्योग छोटे स्तर पे भी हो सकते हैं या मिडिल स्तर पे भी हो सकते हैं या फिर इसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है कोर इंडस्ट्री में। ये खासकर उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था ना कि विकास खंडों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, अ ब स द यानी कि ABCD। तो यहाँ पर जो सी और डी विकास खंड होंगे यानी कि जो अल्प विकसित यानी कि कम विकसित वाले विकास क्षेत्र हैं, अगर उस विकास क्षेत्र में लघु, मध्यम या बड़ा कोई कोर इंडस्ट्री लगाया जाता है तो उसको जिस दिन से वो इंडस्ट्री शुरू होगा उस दिन से लेकर 7 वर्षों तक, आने वाले 7 वर्षों तक उसको 100% मुफ्त बिजली दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। इसके अलावा
लास्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं सरगुजा और बस्तर जिले के लिए एक विशेष प्रकार के अनुदान की घोषणा की गई है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ये अनुदान किस प्रकार से है कि अगर कोई निजी इंडस्ट्री यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन दो संभागों में अगर कोई वहाँ पर इंडस्ट्री डालना चाहती है तो वो 20 एकड़ तक के क्षेत्र में अपने इंडस्ट्री को लगा सकती है, ऐसा इस इंडस्ट्री पॉलिसी में जो है सरकार की तरफ से छूट दिया गया है। और ना सिर्फ 20 एकड़ क्षेत्र पे इंडस्ट्री लगाने का छूट दिया है बल्कि यहाँ पर 4 करोड़ रुपए तक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यहाँ पर अनुदान दिए जाने की बात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लगभग हम लोगों ने यहाँ पर 17 से 18 पॉइंट को डिस्कस किए हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट के कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खास किस सेक्टर पर फोकस रखा जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस किए ना, कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और कुछ पॉइंट्स जो है आपके मेंस के पेपर में बहुत काम आ सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डिस्कशन कम्युनिटी के साथ में बने रहिएगा और इस हफ्ते का जो टॉपिक है यानी कि छत्तीसगढ़ का आपका 9वां सप्ताह हो जाएगा और नेशनल में आपका 8वां सप्ताह हो जाएगा, तो दोनों के टॉपिक जो है डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट हो जाएंगे कल से, तो उसको जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा। और इस बार छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर जो टॉपिक रखा गया है उस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित जो भी संशोधन किए गए हैं उससे संबंधित टॉपिक रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो उस टॉपिक को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेशनल इश्यूज पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया, दीपावली के बाद से दिल्ली की स्थिति की, वायु प्रदूषण की स्थिति की, क्या भयावह स्थिति हुई है पूरे देश में, उसकी चर्चा हो रही है, चिंता भी जाहिर की जा रही है, तो उसी से संबंधित विषय रखा गया राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो उस टॉपिक को भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा आकाश सर के साथ में छत्तीसगढ़ पे मेरे साथ में। तो यहाँ पर आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।